वेल हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लेन्ड। तो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक सीक्वल है जस्टिस लीग वॉर की, और इस मूवी की स्टोरी लाइन भी न्यू 52 से इंस्पायर्ड है। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 13 जनवरी 2015 को। दोस्तों, अगर आप इस मूवी की रिलीज़ डेट और जस्टिस लीग वॉर मूवी की रिलीज़ डेट पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये मूवी लगभग पूरे एक साल बाद रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का टोटल रन टाइम है 72 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो मूवी के शुरुआत में हमें US नेवी का एक सबमरीन दिखता है और वहाँ के सभी ऑफिसर्स पर कुछ अननोन क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। स्टार लैब्स जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर्स पर साइबॉग को ये बात पता चलती है और वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबमरीन में जाता है। जिन क्रिएचर्स ने ऑफिसर्स पर अटैक किया था वो साइबॉग पर भी अटैक कर देते हैं। साइबॉग के राइट शोल्डर पर वो एक नाइफ से अटैक करते हैं, पर साइबॉग उन पर एक ब्लास्ट करके वापस हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। सभी हीरोज़ को हेडक्वार्टर्स बुलाता है, जिसके बाद साइबॉग सभी को सबमरीन पर अटैक की फुटेज दिखाता है। तब उन्हें पता चलता है कि सबमरीन के सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स गायब हैं। वंडर वुमेन साइबॉग से वो नाइफ मांगती है जिससे उस पर अटैक हुआ था, और नाइफ को देखने के बाद वो ये आइडेंटिफाई करती है कि ये नाइफ एक एटलांटियल सोल्जर यूज़ करता है। बैटमैन और सुपरमैन एटलांटिस एक्सपर्ट स्टेफन शिन से मिलने जाते हैं। दूसरी तरफ एटलांटिस में प्रिंस ऑर्म और क्वीन के बीच में ये बहस होती है कि किंग के डेथ की वजह जस्टिस लीग है और उन्हें जस्टिस लीग पर पहले हमला करना चाहिए। पर क्वीन प्रिंस को ये समझाती है कि इसकी वजह डार्क साइड है और एटलांटिस में शांति बनाए रखने के लिए वॉर की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर प्रिंस ऑर्म गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद क्वीन मीरा से आर्थर को एटलांटिस बुलाने को कहती है। ब्लैक मैंटा एक क्राफ्ट का यूज़ करता है और उसे एक छुपाया हुआ US नेवी का सबमरीन दिखाता है, जिसे वो चुराए हुए न्यूक्लियर मिसाइल से अटलांटिस के लोगों पर हमला करता है ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि ये सरफेस पर रहने वाले लोग यानी कि इंसानों ने की है। बैटमैन और सुपरमैन शिन के घर पहुँचते हैं और वहाँ पर शिन के सभी रिसर्च टूटे और बिखरे हुए मिलते हैं। सुपरमैन को एक फटी हुई फ़ोटो और फटी हुई लेटर मिलती है, जिन्हें जोड़ने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि डॉक्टर शिन ने ये पता लगा लिया था कि आर्थर करी एक हाफ एटलांटियन है। दूसरी तरफ डॉक्टर शिन आर्थर से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं, पर उसे एक एटलांटियन सोल्जर मार देता है जिसे ब्लैक मैंटा ने भेजा होता है, और जिसके बाद और भी एटलांटियन सोल्जर आते हैं और वो आर्थर करी पर भी हमला करते हैं। पर मीरा वहां आकर आर्थर को बचा लेती है और उसे एटलांटिस ले जाती है, पर आर्थर बेहोश रहता है। एटलांटिस के लोग और प्रिंस वॉर के लिए क्वीन से डिमांड करते हैं, पर क्वीन उन्हें मना कर देती है। दूसरी तरफ आर्थर होश में आता है और मीरा उसे समझाती है कि क्वीन एटलाना उसकी माँ है और रॉयल ब्लड होने के कारण वो आर्थर और उसके फादर के साथ सरफेस पर नहीं रह सकती थी। लेकिन अब क्वीन को ऐसा लगता है कि आर्थर ही अटलांटिस और इंसानों के बीच शांति लाने के लिए एक आखिरी उम्मीद है। मीरा आर्थर को किंग के कपड़े देती है, पर आर्थर सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन बॉडी सूट ही पहनता है, और फ्रस्ट्रेट होकर वो सरफेस पर चला जाता है जहां उन पर द ट्रेंच अटैक करते हैं, पर जस्टिस लीग वहां आकर आर्थर और मीरा को बचा लेते हैं। ब्लैक मैंटा ये न्यूज़ प्रिंस ऑर्म को बताता है कि ट्रेंच आर्थर को नहीं मार पाए। प्रिंस ऑर्म और क्वीन के बीच आर्ग्यू होता है कि जो अटैक हुआ था उसके पीछे प्रिंस की चाल है। प्रिंस ऑर्म क्वीन एटलाना के पीछे नाइफ से अटैक करता है और उन्हें मार देता है और वो नया किंग बन जाता है। सभी हीरोज़ एटलांटिस वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्वीन अब नहीं रही। आर्थर क्वीन की बॉडी को देखने पहुंचता है और वहां ओशन मास्टर यानी कि प्रिंस ऑर्म उसे बताता है कि क्वीन को उसने ही मारा है और वो उन्हें अपने ट्राइडेंट की मदद से सभी को पॉड में बंद कर देता है और उन्हें मॉन्स्टर का खाना बनाकर भेज देता है। ओशन मास्टर अपनी आर्मी को लीड करता है मेट्रोपोलिस की तरफ वॉर के लिए। इसी बीच आर्थर अपने आप को पॉट से निकाल लेता है और सुपरमैन की हेल्प से सभी को बचा लेता है।
एंड ओशन मास्टर को रोकने के लिए वो लोग भी मेट्रोपोलिस पहुंचते हैं। ब्लैक मैंटा आर्थर पर अटैक करता है और उसे बताता है कि उसने ही प्रिंस ऑर्म को मैनिपुलेट किया था कि वो क्वीन को मारे और खुद किंग बन जाए ताकि वो वॉर को लीड कर सके। आर्थर एक शार्क से ब्लैक मैंटा पर अटैक करने कहता है। इसी बीच मीरा और जस्टिस लीग के मेंबर ओशन मास्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं। शज़ाम वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिली बैटसन में। मीरा, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न अनकॉन्शियस हो जाते हैं। साइबोर्ग का सिस्टम डिजेबल हो जाता है और वंडर वुमन बेहोश हो जाती है ट्राइडेंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। सुपरमैन भी जख्मी हो जाता है। आर्थर ओशन मास्टर से हारने ही वाला होता है, पर इसी बीच बैटमैन साइबोर्ग को अपने टीजर गन से साइबोर्ग के सिस्टम को ऑन करता है और साइबोर्ग सभी को एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें प्रिंस ऑर्म ये एक्सेप्ट करता है कि उसने ही क्वीन को मारा है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए आर्थर ओशन मास्टर को हरा देता है और सभी एटलांटियन सोल्जर को कन्विंस करता है कि वो वॉर नहीं चाहता बल्कि शांति चाहता है। सभी सोल्जर आर्थर की बात को मान लेते हैं और वापस एटलांटिस चले जाते हैं। मूवी के एंड में आर्थर को पूरे रिचुअल्स के साथ एटलांटिस का किंग बना दिया जाता है। इसी बीच बैटमैन सभी से कहता है कि उन्हें इस टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिस पर साइबॉर्ग फॉर्स टावर बनाने के बारे में कहता है। आर्थर भी टीम को ज्वाइन करता है एक्वामैन बनकर। एक्वामैन उसका सीक्रेट नेम है जो सजाम उसे देता है। इसी के साथ हमें जस्टिस लीग की प्रॉपर फॉर्मेशन देखने को मिली। दोस्तों, इस मूवी में सुपरमैन की लव इंटरेस्ट वंडर वुमन रहती है, जो मुझे देखकर बहुत अजीब लगा और ये आप समझ सकते हैं क्यों। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर।